तो दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आ चुकी है टीडब्ल्यू की, और एक बार फिर से यहाँ पे फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो फिर से बदल गया है पूरी तरह से। तो दोस्तों इस प्रोसेस में आपको क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आपकी बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, 10वीं का सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट हो, या आईटीआई का सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो, टोटल डॉक्यूमेंट्स इस बार आपको इस फॉर्म में अपलोड करने होंगे। और इसके अलावा एक ऑप्शन यहाँ पे और मिल गया है, जो कि पिछली बार बहुत सारे लोगों को वहां पे प्रॉब्लम हुई थी, जो कह रहे थे सर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, तो उनके लिए वहां पे ऑप्शन अलग से दे दिया है। अब जो ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को अगर दोबारा भरना चाहते हैं तो वो भी अब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए वहां पे ऑप्शन दे दिया गया है, एक तो सीधा लॉगिन का है और एक वहां पे ऑलरेडी जो कैंडिडेट रजिस्टर है पहले से इस पोर्टल पे, वो भी अब इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से इस फॉर्म में चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से आपको इसको फिल करना है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर वॉच करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से क्लिक करके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो मारुति सुजुकी की पे। तो इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा आपको, यहाँ पर वर्कमैन हायरिंग वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, अप्रेंटिस का और टेम्परेरी वर्कमैन का। तो आपको यहाँ पर टेम्परेरी वर्कमैन पर क्लिक करके अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो 18 से 26 साल एज होनी चाहिए। इन सब के बारे में मैं लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूँ क्या क्या कंडीशन होती है मारुति सुजुकी में जॉब करने के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर लास्ट डेट बताया गया फॉर्म का कब तक है, बट ऐसा नहीं है इससे आगे भी फॉर्म यहाँ पर भरे जाते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। यहाँ पर डेट कुछ दिखाते हैं, फॉर्म उसके बाद भी भरे जाते हैं, तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो ये स्टेप्स हैं कुछ जो दिए गए हैं किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है आपको, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। और इसके बाद में कुछ डिस्क्लेमर है, ऑल द वेरी बेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये देख सकते हो ये चेंजेस हुआ है इस बार। यहाँ पे आपको दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन का और ऑलरेडी जो रजिस्टर कैंडिडेट हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पिछली बार हुई थी, तो उनको कैसे यहाँ पे जो पहले से रजिस्टर हैं उनको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करके अपना वही पहले वाला मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के फॉर्म को फिल करना है, और जो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स हैं उनको क्लिक हेयर पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले मैं न्यू वाले का बता देता हूँ, उसके बाद में मैं ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं न्यू वालों का बता देता हूँ कि क्या चेंजेस इसमें हुए हैं, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई उनको यहाँ पे करना है। लेकिन इस बार दोनों को ही फॉर्म अप्लाई करना है, जो पहले से रजिस्टर हैं वो भी कर सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके पहले अपलोड नहीं हुए थे, और इस बार ये चेंजेस हुआ है कि डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा रहे हैं, तो इस बार उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की वजह से फॉर्म उनको फिर से फिल करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी न्यू है, जो विजन इंडिया है ये जो इसकी भर्ती करा रही है मारुति के अंदर में, तो आपको अपने फॉर्म को फिर से फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। बाकी प्रोसेस यहाँ पे तो सेम ही है फर्स्ट पार्ट में, और इसके बाद में जो पहले जैसा ही प्रोसेस है, यहाँ पे एक अपना फोटो आपको अपलोड करना है और उसके बाद में सेम प्रोसेस है, बट अब आपको इसके आगे क्या करना है, तो आपको यहाँ पे इसको फिल करने के बाद में सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस सेम था फॉर्म भरने का, आपको फोटो अपलोड करके और यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना कंप्लीट फॉर्म मैं पिछले लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूँ किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सेकेंड पार्ट है जो इस बार इसमें चेंज होकर आया है, इसमें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं अपने आप। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, 12th का सर्टिफिकेट, आईटीआई सर्टिफिकेट, आईटीआई मार्कशीट, आधार कार्ड फ्रंट का, आधार कार्ड बैक का, पैन कार्ड फ्रंट का और पैन कार्ड बैक का, इसके बाद में सिग्नेचर और एक थंब इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मैंडेटरी हैं। इस बार सिग्नेचर का भी ऑप्शन इसमें आ गया है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनको भी अपने फॉर्म यहाँ पर फिल करने चाहिए, क्योंकि उनके भी सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं पहले जो फॉर्म भरे गए थे उनमें, तो इस बार फिर से उनको ये फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके। तो उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको यहां पे देख सकते हो यहां पे स्टार मार्क पैन कार्ड पे नहीं लगा है, बट ये मैंडेटरी है, आपको ये भी यहां पे अप्लाई अपलोड करना पड़ेगा यहां पे। तो ये सब में स्टार मार्क लगे हुए तो है ही मैंडेटरी, बट पैन कार्ड के आगे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, स्टार मार्क
फिर भी ये मैंडेटरी आपको ये भी अपलोड करना पड़ेगा। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड करने हैं, बस एक थंबनेल का है, आप इसे थंब इंप्रेशन को छोड़ सकते हो, बाकी सारे आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो चलिए मैं डेमो के लिए कोई सा भी एक सर्टिफिकेट यहाँ पे सब में अपलोड कर देता हूँ। साइज का मैं आपको बता दूँ, साइज तो यहाँ पे बहुत दिया हुआ है, 25 MB तक का आप अपलोड कर सकते हो। तो आपका साइज कितना भी रहे पर फॉर्मेट JPG होना चाहिए, याद रहे आपको। कोई से भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट करके मैं आपको डेमो के लिए अपलोड करके दिखा देता हूँ यहाँ से। चलिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको मेरे पास जो पड़े हुए हैं मैं आपको यहाँ से अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये सिर्फ मैं डेमो के लिए यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आपको जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करने हैं JPG फॉर्मेट में और वो आपको अपलोड करने हैं। ये तो मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ कि आपको इस तरीके से यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप अगर देख रहे होगे कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं विदाउट पैन कार्ड इसको अगर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये एरर आ चुका है। यहाँ पर पैन कार्ड फ्रंट और ये मैंडेटरी, स्टार मार्क भले ही नहीं लगा बट पैन कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी है और वो भी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच होना चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड और आपका 10वीं का सर्टिफिकेट है, वरना आप यहाँ पे नहीं इस फॉर्म को भर पाओगे। तो आपको पैन कार्ड भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए मैं फिर से कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ पैन कार्ड का ही। तो इस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने, और थंबनेल मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, उसके बाद में अपलोड करके आपको दिखाऊंगा। ये देखिए मैंने थंब यहाँ पे अभी नहीं लगाया है, बाकी सारे अपलोड किए हैं। तो अभी मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। ये देखना अभी मैं अपलोड पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए अभी आपसे ये पूछ रहा है आगे बढ़ गया है, फाइनल सबमिट आप करना चाहते हैं इसे, तो आपको यहाँ पर सिंपली ये इसको रीड करके और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आगे भी सबसे पहले मिलती रहे। सो गाइस थैंक।